Asus TUF A15 लैपटॉप काफ़ी गर्म हो जाता है। आप सभी जानते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जिसने गेमिंग लैपटॉप्स कभी यूज़ नहीं किए, उन्हें लगता है कि लैपटॉप का इतना गर्म हो जाना सही नहीं है। वो लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि कहीं उनका लैपटॉप ख़राब तो नहीं हो जाएगा, चार्जर भी काफ़ी गर्म हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये हैं कि TUF A15 की लाइफ कितनी होगी, कहीं गर्म होने की वजह से जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा, क्या 4-5 साल चल पाएगा। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं आज इस टॉपिक पर ही बात करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल पाएंगे। मैं फ्यूचर में भी इसी तरह का ऑसम कंटेंट बनाता रहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी गेमिंग लैपटॉप की लाइफ कितनी होगी ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसका जवाब आसान नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग लाइफ में पहली बार गेमिंग लैपटॉप खरीदते हैं। आप इन सवालों से ही समझ लो, अगर आपने पहले से गेमिंग लैपटॉप यूज़ किया होता तो ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्या थी। इस साल में YouTube चैनल भी ज़्यादा ग्रो हुए हैं तो इसलिए भी लोग गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग करने के लिए गेमिंग लैपटॉप्स खरीदना चाहते हैं। कोई लैपटॉप कितना चलेगा ये उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। कुछ ज़्यादा ही घसीटा गया है और केयर से नहीं रखा गया है तो ऑब्वियसली जल्दी ख़राब हो जाएगा। गेमिंग लैपटॉप में आप जानते ही हो सब कुछ कितना कंजेस्टेड होता है, इसी वजह से वो हीट भी करता है। कोई पीसी तो है नहीं कि मनचाहा कूलर लगा लिया या वाटर कूलर लगा लिया, तो ये सब होने से रहा। जो आप लोग वोमेन 15 या लीजन 5 को इतना कूल पा रहे हैं ना, ये भी इसी साल हो पाया है, वरना इतने प्राइस में इतने कूल चलने वाले गेमिंग लैपटॉप कभी नहीं मिलते थे। मैं इस वीडियो को एक तरफा नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि सबको सब कुछ पता चल सके। एज लॉन्ग एज जो मैं जानता हूँ, TUF सीरीज़ के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही बहुत बेकार, मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है। मैंने लास्ट ईयर TUF FX505 सीरीज़ का एक लैपटॉप परचेज़ किया था, उसमें मैंने ब्लू स्क्रीन एरर फेस किया था और मैंने वो लैपटॉप अपने सर्कल में करीब 20-25 लोगों को बाय करवाया। वो लैपटॉप वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग के टाइम जब टर्मो मोड पर होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। अगर आप लोग भी ब्लू स्क्रीन एरर फेस कर रहे हैं तो आई बटन में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो ब्लू स्क्रीन एरर के वीडियो पर ही हैं, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है लोगों ने। उसका CPU थ्रॉटलिंग भी करता है बट स्टार्टिंग में नहीं करता था, अब जब एक साल पुराना है उसके फैंस में डस्ट जमा हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। TUF A15 मेरे सर्कल में कई बंदों ने बाय किया है, बिल्ड क्वालिटी से वो सभी काफ़ी खुश हैं, पर थर्मल सिस्टम को लेकर हमेशा सवाल करते रहते हैं। कुछ टिप्स दो जिससे ये कूल चलता रहे, बाकी और कोई इशू उन्होंने फेस नहीं किया। मैंने इसकी थर्मल टेस्टिंग करके कुछ डेटा आपको शेयर भी किया था, वो वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। TUF A15 का मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है बट थ्रॉटलिंग नहीं कर रहा। टेस्टिंग के टाइम ये बात ASUS ने चेक की होगी तभी उन्होंने इसे लॉन्च किया है। फ्यूचर प्रूफिंग की बात आप अगर मुझसे पूछो, अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो थ्रॉटलिंग ये भी कभी नहीं करेगा। टाइम से आपको इसके थर्मल सिस्टम को क्लीन करना होगा, फिन्स को साफ़ करना होगा ताकि एयर इनटेक और थ्रो होता रहे, यही सबसे बड़ा फैक्टर भी है। अगर आपने इसके थर्मल सिस्टम की केयर कर ली तो TUF A15 आपको निराश नहीं करेगा। अगर आपको इस सब झंझट में नहीं पड़ना है तो आप ओमेन 15 या फिर लीजन 5i या 5i कर सकते हैं, इनसे बेटर ऑप्शन फिलहाल मार्केट में नहीं है। ऐसे भी कमेंट्स मुझे आए हैं कि ये लैपटॉप जल जाएगा, मदरबोर्ड में आग लग जाएगी, इसके कंपोनेंट जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ऐसा होता तो मेरा TUF FX505 ख़राब हो गया होता, जिसे मैं दिन रात लगातार यूज़ करता हूँ। कुछ लोगों ने TUF A15 जून में ही बाय कर लिया था। कुछ भी ऐसा होता तो वो लोग मुझसे ये सब शेयर ज़रूर करते। स्ट्रेस टेस्ट में 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तो ओमेन 15 भी पहुँच रहा है, तो अगर कोई लैपटॉप 90 डिग्री सेल्सियस झेल सकता है तो 95 डिग्री सेल्सियस झेलना कौन सी बड़ी बात है। राइजन प्रोसेसर 105 डिग्री सेल्सियस पर थ्रॉटल करते हैं, इससे पहले तो थ्रॉटल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसका हार्डवेयर ऐसा है कि इस टेम्परेचर से इसे कुछ नहीं होना, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको गेमिंग सेशंस में गैप रखना चाहिए, CPU को थोड़ा अंडरक्लॉक करना चाहिए या बैलेंस मोड पर चलाना चाहिए, इससे CPU को पावर थोड़ी कम मिलेगी और ओवरहीटिंग का पंगा थोड़ा कम हो जाएगा। ये मिलिट्री स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो ड्यूरेबिलिटी की टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो तरीके मैंने बताए हैं ये सब आप फॉलो करेंगे तो ये आपका साथ लंबा निभाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लें। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी लैपटॉप लो, इस सब के बारे में इतना मत सोचो, केवल काम पर फोकस करो। आपका पर्पस सॉल्व हो गया तो लाइन लगा दोगे लैपटॉप्स की, फिर जो चाहे लैपटॉप बाय कर लेना। टाइम टू टाइम मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ उन्हें आप मान सकते हो, क्योंकि बिना टेस्टिंग और रिसर्च के मैं कुछ नहीं बताता। बाय कर लिया है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर बाय करने वाले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस।
आपके सवाल नीचे कमेंट्स में पूछिए। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, मिलूंगा जल्दी ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।